आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बनाएंगे मकर संक्रांति का दोस्तों एक और पोस्टर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ इस तरह का बैनर डिजाइन करेंगे और इस बैनर की आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। साथ में मैं आपको वीडियो में बताऊँगा किस तरह से मैंने इसको बनाया है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PLP फाइल की आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको PLP फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जो जिप फाइल है उस पर पासवर्ड है, आपको दो स्टेप में पासवर्ड दोस्तों इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आपको वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं PixelLab एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। PixelLab एप्लीकेशन दोस्तों मैंने ओपन कर ली। अब सबसे पहले हमें बैकग्राउंड हमें ऐड करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपको 3 डॉट पे जाना है। यहाँ से आपको यूज इमेज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जिस भी फोल्डर में अपने बैकग्राउंड वगैरह रखे हैं दोस्तों, तो मैं वहाँ से ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बैकग्राउंड को आपको PixelLab एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड दोस्तों मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद इस न्यू टेक्स्ट को एक बार के लिए आपको हटा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पे जाना है। इसके बाद कुछ इस तरह की आपको एक PNG मिल जाएगी, इसको आपको ऐड कर लेना है और फिर आपको बीच वाले ऑप्शन पर चले जाना है यहाँ पर। और यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा रिलेटिव साइज का, इसको आपको फुल कर लेना कुछ इस तरह से। लेयर वाले ऑप्शन पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों दोबारा से प्लस पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। यहाँ से आपको जनवरी वाले है ना, 14 जनवरी वाली टेक्स्ट PNG मिल जाएगी, उसको आपको सेट कर लेना है इस कोने में कुछ इस तरह से। सेम वही प्रोसेस रहेगी और लेयर वाले ऑप्शन पर जाके आपको लॉक कर लेना है। दोबारा से प्लस वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे दोस्तों और फ्रॉम गैलरी पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हम स्लोगन PNG को ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरह की आपको स्लोगन PNG मिल जाएगी और इस कोने में आपको इसको सेट कर लेना, ठीक है, इस तरह से। और लेटेस्ट साइज पर जाके इसको फुल कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अपना नाम लिखने के लिए हमें नेम प्लेट ऐड करना है, तो प्लस पर जाएंगे और फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे। यहाँ से दोस्तों एक नेम प्लेट हम ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरह का और रिलेटिव साइज पर जाके इसको फुल कर लेंगे कुछ इस तरह से और लेयर पर जाके लॉक कर लेंगे। इसके बाद अपनी इमेज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो इमेज को ऐड करने के लिए प्लस पर जाना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों मैं इमेज को ऐड कर लेता हूँ और इसको सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। लेयर पर जाके इसे लॉक कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम आपको लिख देना है, जो कि वाला पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट पर अपना अच्छे तरीके से आपको नाम अपना लिख देना। चलो मैं आपको नाम लिख के दिखा देता हूँ। तो ए वाले ऑप्शन पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको लिख लेना शुभेच्छक, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ शुभेच्छक, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम कलर ऐड कर लेंगे वाइट दोस्तों, तो यहाँ से मैं वाइट कलर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें हमें फ़ॉन्ट ऐड करना, ठीक है। तो इसमें फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ, मैं माई फ़ॉन्ट पर चले जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों एक अच्छा सा फ़ॉन्ट इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट का नाम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट का नाम है दोस्तों। और इसको पैडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर थोड़ा बढ़ा लूँगा यहाँ से और इसको छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगा दोस्तों कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और एडिट पर जाएंगे। यहाँ पर अपना जो नाम है वो नाम मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा नाम दोस्तों मैं लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों नाम मैंने लिख लिया। अब इसमें फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, तो दोबारा से मैं फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और माय फ़ॉन्ट पर जाऊँगा। यहाँ से मैं इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा यहाँ से फ़ॉन्ट को कुछ इस तरह से। टेक्स्ट को बड़ा करेंगे और यहाँ पर दोस्तों इस टेक्स्ट को सेट कर लूँगा। तो हमारा बैनर बन गया दोस्तों। इसको सेव करने के लिए आपको शेयर पे जाना है और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर लेना है। अल्ट्रा पे चले जाना है, सेव टू गैलरी पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। अपना बैनर गैलरी में सेव हो जाएगा। इस बैनर की आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो आज की वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।